हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज मैं और मेरी फैमिली जा रही है नोएहाटी में। कोई एक मंदिर में मन्नत मांगा था पापा ने बेसिकली उसके लिए, और मेरे साथ जाने वाली है डुग्गू। और आप अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखते हो तो आप जानते होंगे डुग्गू को। डुग्गू मेरी फैमिली को हाय कह दो। हाय। जोर से कह दो हाय। तो डुग्गू भी हमारे साथ नोएहाटी भगवान के मंदिर जाने वाली है। आर यू एक्साइटेड? यस आई एम एक्साइटेड। अभी मैं अपने घर पे जाके मम्मी से परमिशन एक और बार लूँगी, फिर जाऊँगी। डुग्गू तो बहुत अच्छे से बोलती है, तो वो भी अपना बक 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 करती रहेगी। ठीक है, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, बाय गाइस। खुशी के मारे डुग्गू पागल हो गई है। आप देख सकते हो कैसे डांस कर रही है डुग्गू। अरे 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 अरे, एक्साइटमेंट की भी हद होती है ना। देखो लाली आ रही है, देखो लाली। लाली छोड़, अरे वो तो छोड़। लाली लाली लाली, तुमको भी जाने का मन है क्या? पूछ हिलाओ, वेरी गुड। जोर से हिलाओ, वेरी गुड। काली लाली, हमारी काली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा क्योंकि लाली किसी और के साथ डेटिंग में जा रही है, इसीलिए काली गया है उधर। डुग्गी के लिए स्पेशली दरवाज़ा खोलने का काम मेरा। जाओ डुग क्योंकि मेरे हाथ में बॉटल है। और गाइस ये तू अकेला क्या किधर गया? देखो हमारा कार्तिक, कार्तिक हेलो बोलो। कार्तिक को घूमने जाना था हमेशा। बाय कार्तिक। कार्तिक का दिल दुख गया, वो गाड़ी को देख देख के जा रहा है बेचारा। नेक्स्ट टाइम उसको ले जाएंगे पक्का बोल के। हमारा रनवे है, जब से मैं आई हूँ तब से एक या दो बारी मैंने इधर भी चॉपर्स देखा हुआ और कभी भी नहीं देखा। मेन गेट के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमारे बाहर जा जाते हैं, एयरफोर्स के एकदम बाहर। ये रहा मेन गेट, ये रहा मेन गेट। कोई कोई ऑफिस से आ रहे हैं, जा रहे हैं। अभी हमारा आंटी जा ही गया है। अब आगे के छोटे भी हम आ गए हैं। और ये हमारा पंजाब राइफल स्टार्ट हुआ है गाइस। अच्छा, कोई तो पहचानने वाले में से। तो अभी हम पंजाब राइफल्स के यहाँ से जा रहे हैं। एज यू कैन सी, ये पंजाब राइफल्स का मेन गेट छोड़ दें, ये सेकेंड गेट है। बट समहाउ हम बिल्कुल भी मैनेज नहीं किया आपको दिखाने के लिए पंजाब राइफल्स अपनी जगह है ना। जब तो अरे ये देखो, आजकल भी पंजाब में क्योंकि बहुत लोग आने के चक्कर में लोगों ने इतने अच्छे से डेकोर करा है। पहले तो बहुत ज़्यादा टूटा फूटा सा था, टूटा फूटा बहुत ही गंदा था ये। अब देखो कितना प्यारा सा बन गया है। मैंने लिपस्टिक लगाया था तो डुग्गू को भी ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही उसको पिंक शेड अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसके लिए हम लगाने वाले शुगर का बहुत ही तो हम डुग्गू को लगाने वाले हैं शुगर का प्यारा सा शेड रेड वाला। Tinggal di diri sendiri. Jangan lupa untuk
अपने पेट ऊपर से बहुत ज्यादा तो के लिए एक लाइक कर देना टायर्ड फील कर तो मैं और डुगू सो जाते जब तक हम पहुंचे। मेरी मम्मी साइड से बोल रहे हैं एक किलोमीटर बाकी है, ठीक है अभी एक किलोमीटर गाइस। तो हम फाइनली लोहिहाटी के यहाँ पे पहुँच गए और यहाँ से जहाँ पे हम मंदिर जा रहे हैं ना वो वहाँ पे ना पार्किंग वगैरह अलाउ नहीं है बड़ा माँ के मंदिर के, इसीलिए हमने पीछे में पार्क किया और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं। तो पापा गंगा अभी आज मेरे को जाने नहीं में आई क्योंकि गाड़ी से मैं आधा मेकअप करके आई हूँ यहाँ पे। घर से देखिए मेरे को अभी ब्लॉगिंग में देखिएगा, ठीक है आप ब्लॉग में देखना क्योंकि डुगू स्टार्टिंग में बिल्कुल भी मेकअप नहीं की होती है और अभी जाके उसने मेकअप कर लिया होता है। अभी गाड़ी में मेकअप किया है। नोहाटी का मेन बर्मा जाने का रास्ता है गाइस, और जैसे कि आप देख सकते हो आसपास बहुत सारी दुकानें भी है, यहाँ पे आपको साड़ी वगैरह बंगाली स्टाइल की मिल जाएंगी। तो पहले जाते हैं ऐसे ही सेम टू सेम रास्ता आगे तक, तो मैं और कैप्चर नहीं कर रही गाइस। ओके गाइस फाइनली हमारा दर्शन पूरा हो गया है, ये रहा मंदिर और उसके नीचे सारे मिठाइयों की दुकान है और हाँ वो वाला जो गेट है वहाँ से हम जाते हैं अंदर। तो गाइस दर्शन कंप्लीट हो गए हैं माता के, और जैसे कंप्लीट होने के बाद हमने सोचा कि हम बाकी के लिए भी मिठाइयाँ नहीं लेते, इसलिए हम मिठाई की दुकान में वापस से आए हैं और सबके लिए प्रसाद ले रहे हैं और दर्शन हो गया है, सब कुछ हो गया, अभी हम जाएंगे घर। आज भीड़ और कम है इसलिए फटाफट हो गया हम लोग। अभी हम खाने वाले आइसक्रीम जो ये था मम्मी राबड़ी पर इनके पास बटर स्कॉच है और कुछ भी नहीं है। तभी हम जा रहे हैं गंगा के घाट के पास क्योंकि वहाँ पे ताज़ी हवाएं खाने और गंगा का पानी तो आप जानते ही हो कितना शुद्ध होता है घर के लिए। वो जो होता है ना बंगाली में डुगडुगी बोलते हैं उसको, हाँ डमरू। बहुत गर्मी है गाइस, हाँ तो गाइस एक्चुअली बात किया ना कि मैं कोलकाता में आए हुए मुझे एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, पर बात यह है कि इतनी गर्मी है भैंस के यहाँ, इतनी गर्मी है कि मुझे मन ही नहीं करता यहाँ पे कुछ करने का। और सच्ची बताओ तो अभी जैसे मैं वीडियो बना रही ना तो यहाँ के जो दुकान के लोग हैं वो मुझे देख रहे हैं, पर अभी इतना गर्मी नहीं है, जब गंगा घाट जाएंगे तब और ठंडा लगेगा। हाँ तब ठंडा लगेगा क्योंकि तब ताज़ा ताज़ा हवा भी मिलेगा, एकदम गंदा गंदा हाँ बोला नहीं आ रहा पता नहीं क्यों। पेट पूजा हाँ थक भी चुके थे इसलिए पेट पूजा करके आ गए थोड़ा सा, अब हम घर जाएंगे, घर जाके थोड़ा सा खाना खाएंगे फिर सो जाएंगे, फिर सुबह उठेंगे स्कूल जाएंगे, फिर ऐसा दिन बीतते जाएगा और ब्लॉग चलते रहेगा।
तो अभी ऑलरेडी वी आर डन और अभी चलते हैं घर की तरफ। हम बहुत टायर्ड है, बहुत ही टायर्ड है। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कैच यू सून, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मैं बोला भूल ही गई थी, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, आई विल कैच यू सून गाइस, बहुत ही नींद आ रही है, बाय।